हाय एवरीवन, आपने जो झालमुरी वाले बाबा जी थे, इतना सपोर्ट उस वीडियो को उस बाबा के लिए आपने दिखाया, इतने कमेंट्स आपके आए, तो आज हम फिर गए हैं बाबा जी के पास उनका हाल चाल पूछने कि उनको किस तरह की मदद मिल रही है और आगे किस तरह की मदद वो चाहते हैं। भैया आज मेरा भी नसीब खुल गया। हाँ। जो मैं वो गाड़ी नसीब हो गई बैठने। अरे नहीं, बैठो, नसीब कहाँ, नसीब हमारा खुल गया, आप हमारी गाड़ी में बैठ गए है ना, आराम से बैठ के यहाँ बात करेंगे। अब मदद हो रही है? हाँ, थोड़ी घनी हो रही है। हो रही है थोड़ी घनी? थोड़ी घनी हो रही है, वो बात। अच्छा, वो बात नहीं है? अच्छा, हम सोच रहे थे मदद होगी पूरी, अभी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, चलो, कैसे चाहते हो, कैसे मदद हो आपकी, किस तरह से मदद हो? भैया मेरे को तो देखो, पैसा ऐसी चीज होती है भाई, आज को आपकी जेब में है, मानू जी, जी। कल को किसी और की जेब में, क्योंकि ये तो छलती फलती छाया है। जो देखो, हमेशा याद रखो मेरे को बात का, हमेशा आप किसी को भोजन खिलाओगे तो भोजन आत्मा परमात्मा एक आत्मा के अंदर जाएगा, वो दुआ कुछ और, जो आत्मा के अंदर जाएगा वो तो भाई आत्मा ही जेब में है। अब मैं तुमसे झूठ बोलूं, कर मैं तो कर्म करता नहीं, देखो तो बात बता दू, अभी तुमने मेरे को वही 100-200 दे दिए, सोचना जी जी है। हाँ। अच्छा, उस पैसे से कोई सट्टा लगाऊं, दारू पीऊं, मांस मंदरा खाऊं, जी जी, तू ही महापाप का काम। महापाप सही बात, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता। नहीं, देखो, भोजन का तो भोजन की बात तो बाबा जी ऐसी थी, मैंने बोला नहीं था, बस मैं तो हमेशा हर आदमी की यही कहता हूँ, भैया मेरे बच्चों का भोजन हो गया तो मेरा हो गया। नहीं 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 बाबा जी, ये देखो, मैं यही रहता हूँ आपके पास में, तो भोजन के उस दिन मैंने कहा नहीं था कि महीने का भोजन ऊपर वाले के रहम और करम से हम देंगे, ऐसा भोजन वो कितने दिन चल जाएगा? भाई कम से कम 10-12 दिन तो चल ही जाएगा, हम 6 जने खाने वाले हैं। 6 जने? तो ऐसा भोजन मैं आपको लगातार देता रहूंगा, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, आप बताओ आपकी मदद कैसे करी जाए? अब या मैं देखो क्लियर में बता दूं, मेरे तो है नहीं, देखो बात बता दूं, मेरे तो है नहीं, भाई जो मेरा लड़का अपाज है उसकी बच्चे है तीन, ज्यादातर मेरे को भैया उन तीनों की परेशानी है। किस बात की? मैं देखो स्कूलों की फीस है डबल, तो मैं बात करता हूँ क्लियर भैया, अब मेरे तो किसी का कर्जा नहीं है, सोचना जरा भाई, जो मेरे पे अपनी खाल पे बसया नहीं जी है, मैंने तुम लोगों को दे दिया, सुनना जरा। अब भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई, तुम चाहे अपना लाख किसी का कर्जा करो तो भैया तुम दो। ठीक 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 है। अब मैं कोई पता नहीं मेरा भाई कौन सी दिन मैं चल बसू, वो किसी का नहीं पता कौन कब चल बसे है, सही बात। तो भैया मैं इसलिए तगादा नहीं करता हूँ, हाँ मांग जाच के मांग करके आपका भोजनों का इंतजाम कर दूंगा। दूर दूर के लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं आपकी, वो किस तरीके से मदद करें, मतलब आपका आप कोई बैंक में अकाउंट नंबर है? भाई मेरा बैंक में अकाउंट नंबर तो है भाई, इस समय मेरी जेब में नहीं है, मैं देखो बात कर पता ना हमें इस समय जेब में नहीं, मतलब ये भाई पता निशान कहो, क्योंकि मैं हूँ अनपढ़ ऊंचा टेप, आप कहो तो मैं घर वालों के पता निशान बैंक का उसका लाके आपको दे सकता।
तो अगर नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा तो आपके बेटे को ले आना। अच्छा। और आप आ जाना और अपने कागज ले आना, पैन कार्ड वगैरह अगर है, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें ले आना। अच्छा। नया बनवा देंगे हम, ठीक है, सरकारी उसमें बैंक में आपका खाता खुल जाएगा। अच्छा। फिर आपको लोग देखो दूर दूर से मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे। इतने कमेंट्स आए हमें, वो ये करे बाबा जी की मदद करनी, कैसे ही करो मतलब कैसे करें, और दूर दूर से लोग कैसे कर सकते हैं, जो इंदौर, जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान से हैं, जो गुजरात से हैं, वो कैसे मदद करें, वो तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। और पुराना हो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर खुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक अच्छी सी स्माइल दे दो, हंसी प्यारी सी हंसी, हंस के दिखा, देखो यही हम चाहते हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, है ना भाई। आप हमें दुआ दे रहो, हमें आशीर्वाद चाहिए आपका भाई। देखो डॉक्टर साहब, जी जी जी, हर आदमी के पीछे भला हो, जी जी जी, तुम्हारा नाम ले, जी जी। लोग जानना चाह रहे हैं बाबा जी की हिस्ट्री, पूछ रहे हैं कि बाबा जी कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई, कब ऐसे आए। अनपढ़ आदमी मैं सन की कोई याद नहीं रखता हूँ, यहाँ कम से कम मेरे को 28-27 साल होने को आए। अच्छा। तो जब इतने काम अपना में काम यही करता हूँ, पहले तो खोमचा रख के सर पे पूरे एरिया में घूमता था पहले। हाँ। अच्छा। ये गोलगप्पे, जी जी जी। अच्छा, फिर गिर के ये मेरा हिस्सा हो गया बेकार। अच्छा। तो मैं वो मेरे बस की नहीं रही, तो फिर यही इन लोगों ने देखा कि बाबा, फिर मुझे सहारा दिया लोगों ने, फिर लोगों ने मेरी मदद करी कि बाबा हम पैसे देंगे एक अच्छी सी बिल्डिंग बनवा। उससे पहले कहाँ करते थे काम? उससे पहले तो इधर ऑर्डर बॉर्डर पे रहता था, उससे पहले अपने मैं पंजाब में रहता था। पंजाब में? अच्छा अच्छा। रहने वाला तो मैं बुलंदशहर का हूँ, शांति नगर। शांति नगर या कालाम बोलते हैं। अम्मा की याद आती है? भैया मैं तो उस किस्म का आदमी हूँ, जीवन में जिन कितनी रास्ता है वो क्यों भाई, हर मनुष्य का कहना है, और मैं तो अपने हाथ में देखता, उनकी कुदरत के आगे किसी की नहीं चलेगी। इतने दिन तुमको उन्होंने कलम पे लिख दिया बेटा, इतने दिन तू राज करेगा, इतने दिन भीख मांगेगा, इतने दिन ऐसी करेगा, और इस दिन क्योंकि भैया उनके आगे समय। जी बाबा जी, जी बाबा, सही बात। बस मैं तो ये सीखा हूँ, बस प्रार्थना दिन रात उनकी कर, चाहे कैसे भी याद कर, इतना समय दिया है कि बेटे अपना चलता रहे, उन नाम देता रहे, सो ही मैं कर। तो इस उम्र में देखो कितनी बड़ी बात, मुझे तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। हमारे लिए कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मिसाल हो आप हमारे लिए, आप एक मिसाल हो हम सब के लिए, चाहे वो नौजवान है चाहे बुजुर्ग है। इतना प्यार मिल रहा है आपको, उनके लिए बोल दो जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि आपको प्यार, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हम बाबा की कैसे मदद करें। क्योंकि देखो भैया मैं तो साफ कहता हूँ, अच्छा है तुम लोग मेरे बच्चों की भाई फीस भर दो भाई 10-20 हजार की, उससे भर जाए करके भाई, उन लोगों की फीस भर जाएगी तो आगे को आपको याद करेंगे कि भाई भगवान आदमी पैसे दे के हमारे दादा को और हमारी फीस भरवाई, तो भाई हम कामयाब होंगे। नहीं नहीं, होंगे कामयाब होंगे। चलो आपके जो भी मदद करना चाहेगा ना, आपके अकाउंट में वो डलवाते रहेंगे, आसानी हो जाएगी ना इससे, अकाउंट से कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत हो जाएगी। बच्चा पढ़ लिखा आपका? हाँ। चलो वो कर लेंगे, तीनों ही है, तीनों ही पढ़ लिख रहे हैं अभी तक भाई। आप लोगों की मदद मिल जाती है, और मैं क्योंकि यहाँ बहुत कोठी वालों को पता है, नहीं कोठी वाले यहाँ के हमारे आसपास के लोग, हाँ। फरीदाबाद के लोग, हाँ। स्पेशली बहुत बड़े दिल वाले, हाँ। है ना, हमारे फरीदाबाद, हाँ। के लोग, कोठी वाले, आप बताते हो, तारीफ करते हो इनकी, हाँ। आगे भी मदद करते रहेंगे, हाँ। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे फरीदाबाद, क्या बल्कि दूर दूर से लोग मदद करेंगे। फिर बच्चे तो होते आगे, वो क्यों कि भाई अभी मेरे को कोई कमाई का जरिया नहीं है, कमाई का जरिया होता तो मुझे न करने देते, भाई मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, भाई घर तो लुट गया, मानोगे इस बात को, भाई घर तो लुट गया, अब भैया
अब वो नौकरी नहीं रह गए तो ना तो इधर में रहे ना उधर में रहे, मैं तो बीच में लटक गया। बाबा की जिंदगी की दास्तान सुनकर मेरी तो आंखें भर आती हैं। आपकी बेकर बाबा जी इतने बड़े मतलब लोगों के लिए हाँ। आप सच में एक मिसाल बन चुके हो हाँ। ठीक है ना, कुछ कहना चाहोगे जो देखेंगे इसको उनके लिए कुछ आशीर्वाद दे दो। मैं आशीर्वाद तो दूंगा ही दूंगा सर, हे प्रभु हे स्वामी सबका भला करिए प्रभु, हे स्वामी तीन लोग के नाथ खबर मेरी, हे प्रभु सब किसी को दिया है पर मेरी जवान जो कीमत इसके बारे में कर दूं ज्यादा नहीं तो प्रभु उसका थोड़ा पड़न तो निभाना ही होगा। डॉक्टर साहब इस बात को अजमा लेना जी, आप इससे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में बैठ। अरे वाह जी जी, ये तो बहुत बड़ी दुआ कर दिया आपने हमारे लिए। मैं आत्मोति कहता हूँ। बाबा की इस प्यारी सी स्माइल को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। एक बार फिर से बाबा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाबा जी जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारने वाले इंसान हैं और इनकी स्टोरी हमें लाइफ में काफ़ी मोटिवेट कर देती है। उम्मीद है एक या दो दिन में मैं बाबा जी का अकाउंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनकी मदद करें। धन्यवाद।